अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट अनाउंस हो चुका है और ये टेस्ट जो है इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 जुलाई है और 7 अगस्त को ये टेस्ट कंडक्ट होगा। मगर इस लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर कुछ चेंजिंग्स की गई हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम वो तमाम चेंजिंग्स प्रैक्टिकली मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा और प्रैक्टिकली हम आपको लैपटॉप के ऊपर समझा भी देंगे कि किस तरह से आपने उस चीज़ को लेकर चलना है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आप लॉ एडमिशन टेस्ट को अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है, जो मैकेनिज्म है, वो समझ लें। तो बेसिकली लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए HEC ने इस बार क्या किया है कि उन्होंने जो चालान मैन्युअली पहले आप लोग पे करते थे उस प्रोसीजर को उन्होंने चेंज कर दिया है और जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ के ऑटोमेटिकली चालान डाउनलोड हो जाते थे उनकी वेबसाइट पर, उसी तरह से इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक वहाँ पर फॉर्मेट दे दी है जहाँ से आप चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने अपना HEC का अकाउंट खोलना है, वहाँ पर जाकर आपने नेक्स्ट एजुकेशन वाला सेक्शन जहाँ पर आता है, पहले आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन है, नेक्स्ट आपने जहाँ पर अप्लाई वाला प्रोसीजर होता है उधर नीचे आपने जाना है, वहां पर एक सेक्शन आ रहा होगा जिसे मैं अभी हाईलाइट कर दूंगा, वहां पर आपने जाकर क्लिक करना है, आपका चालान डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपका चालान डाउनलोड नहीं हो रहा किसी वजह से तो आपने थोड़ा सा रुक जाना है और उसको नेक्स्ट डे ट्राई कर लेना है, क्योंकि वेबसाइट हर वक्त ठीक से इसकी ऑपरेट नहीं हो रही होती, कभी इसके अंदर कुछ एरर्स भी आ रहे होते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, फौरन व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते हैं, तो इस तरह से ना किया करें। आप वेट करेंगे, नेक्स्ट डे में या 2 घंटे के बाद आप ट्राई करेंगे तो आपका चालान जो है वो इजीली जनरेट हो जाएगा। आपने जाकर वेबसाइट से चालान को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो है अब स्टूडेंट को कन्फ्यूजन आती है कि इसके अंदर चालान नंबर कौन सा है, तो यहां पर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, यहां पर मैं मेंशन कर दूंगा। तो ये दरमियान में जो 6-7 डिजिट्स हैं ये आपका चालान नंबर है जो कि आपने वहां पर पुट करना है। ट्रांजेक्शन डेट आपने आज की सिलेक्ट कर लेनी है, जिस डेट को आपने जो है चालान पे करना है वो सिलेक्ट कर लेनी है और चालान वहां पर, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसकी पिक्चर बनानी है। पिक्चर बनाने के बाद आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है आपने PDF फॉर्मेट के अंदर और नीचे जाकर उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप जैसे ही उसे सबमिट करेंगे फॉर्म को, आपका अकाउंट जो है वहां पर अप्लाई का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब पहले प्रोसीजर क्या था कि वो वाले स्टूडेंट्स जो चालान को पे करते थे, पे मैन्युअली पे करने के बाद आपको HEC को भेजना पड़ता था, तो इस बार आपको HEC को भेजने की ज़रूरत नहीं है। पिक्चर आपने वहाँ पर अपलोड कर दी है, उसके बाद जो ओरिजिनल चालान की पिक्चर है वो आपने साथ लेकर जानी है कहाँ पर, HEC के पास, ठीक है। HEC टेस्ट सेंटर के अंदर जब आप जाएंगे टेस्ट देने के लिए तो वो रिक्वायरमेंट है कि आपने अपनी रोल नंबर स्लिप के साथ वो भी चेक करवानी है कि भाई मैंने ये फीस पे की है अपने नाम के साथ, ये आप चेक कर लें। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है जिसको आपने फॉलो करना है। अब हमारे वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है कि उन्होंने पहले वाला जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना लैट टेस्ट का चालान जो है वो पे कर दिया। अब देखें, इसके लिए जो है आपके पास 2 चीज़ें। नंबर एक, आपने क्या करना है कि आप सबसे पहली तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चालान दोबारा जनरेट करें और चालान पे करें। अप्लाई तो आपका ऑलरेडी हो चुका है, मगर चालान जनरेट करके पे करने से फ़ायदा ये होगा कि टेस्ट सेंटर में आपसे कोई पूछेगा नहीं, आप इजीली जाकर टेस्ट के अंदर बैठेंगे, जाकर टेस्ट दे देंगे। इससे आपका जो पहले वाले चालान के जो पैसे थे वो ज़ाया हो जाएंगे, न्यू चालान आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से नहीं करते तो फिर आपके लिए प्रोसीजर ये है कि आप जो है अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करें, साथ में जो आपने चालान पे किया है वो साथ में लेकर जाएं, उन्हें कहें हमें प्रोसीजर का पता नहीं था, पुराने प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो हमने पे कर दिए, आप इसको देखें, इसको वेरीफाई करें कि ये मेरे नाम से ही पे किया गया है, और उसके बाद वो आपको अलाउ कर देंगे। 80% चांसेस हैं कि वो आपको अलाउ कर देंगे। अगर आपने रिस्क नहीं लेना, मैं तो यही कहूंगा आपको कि आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर की बात है और इससे आपका 1 साल जो है वो कम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ठीक है। कि अगर मिसाल के तौर पर वो आपको अलाउ नहीं करते और उसके बाद जो है आप एडमिशन नहीं टेस्ट नहीं दे सकेंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंपल्सरी आइटम है लॉ में एडमिशन लेने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने ज़रूर जो है ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी है जब भी आप लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई अगर कर चुके हैं या करना है, तो इसकी अकॉर्डिंग जो है आपने अप्लाई करना है। पुराने प्रोसीजर की तरफ आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। तो कोशिश तो आपको ये करनी चाहिए कि ये वाली वीडियो जो है आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियोस बना देते हैं, उसके बाद थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप स्टूडेंट्स के ऊपर भी होती है उन स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुँचाना जिनको इसकी ज़रूरत होती है। तो मज़ीद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्यूचर के अंदर इसी तरह की सारी अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।